ज्यादा से ज्यादा लोगों को किताबों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई पहल कर रहा है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय रेल और नागर विमानन मंत्रालय के साथ मिलकर रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर नेशनल बुक ट्रस्ट के स्टॉल स्थापित करेगा। हम तुरंत रेल मंत्रालय और सिविल एविएशन मंत्रालय से स्वयं संपर्क करके ये आग्रह करेंगे कि एलबीटी का बुक स्टॉल राष्ट्र के सभी एयरपोर्ट्स पर, राष्ट्र की सभी रेलवे स्टेशंस पर उपलब्ध हो। मात्र एनबीटी की किताबें नहीं, बल्कि राष्ट्र भर में सभी पब्लिशर्स से सभी भाषाओं में हम अनुरोध करेंगे कि वो सभी भाषाओं में, चाहे वो प्रादेशिक भाषा हो चाहे वो ट्राइबल डायलेक्ट हो, अपनी किताबों को इस स्टॉल के माध्यम से उपलब्ध कराएं। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी प्रदेश सरकारों से संपर्क कर जिला स्तर पर एक बुक क्लब बनाने की व्यवस्था के लिए पहल की है, ताकि अन्य भारतीय भाषाओं और बोलियों की किताबों को लोगों तक पहुंचाया जा सके। आगामी इस वर्ष में सभी प्रदेश की सरकारों से संपर्क कर जिला स्तर पर बुक क्लब की व्यवस्था की जाए, ताकि प्रादेशिक और अन्य भारतीय भाषाओं में किताबें हमारे बच्चों तक, हमारे नागरिकों तक पहुंचाई जाएं। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि प्रख्यात साहित्यकार नरेंद्र कोहली ने पाठक और प्रकाशक के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया। मुझे चिंता उनकी नहीं है जो पुस्तकें नहीं पढ़ते, क्योंकि भगवान ने हर व्यक्ति को जन्म इसलिए नहीं दिया कि वो पुस्तकें पढ़े। चिंता उनकी है जो पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं और उनको पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती। पुस्तक वितरण प्रणाली जो है, जिसको हर नगर में होना चाहिए, वो वहाँ नहीं है। स्मृति ईरानी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से शोध यात्री नाम की एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की। इसमें लेखक और इतिहासकार सहित 5 युवा सदस्यों का एक दल विदेशों में अपनी जड़ों को खोजने के लिए जाएगा और उस शोध को पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित किया जाएगा। लिजी वर्गीज के साथ कौशल किशोर मिश्र, DD News, दिल्ली।